अरे 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 भाग्यो रे भाग्यो, अरे तो गंगा राम की झोपड़ी जल गई भाई। अरे अरे ये तो जलगा भाई, मर गया कलेश खत्म हुआ सुसेदार। रे के मीना मीनन सी कर रहा, चलो भाई सुनील जी चलो जी चलो आओ भाई, इसका करो क्रियाकर्म। हाँ भाई मैं तो ये कह रहा कि इसका क्रियाकर्म कर लो। हाँ हाँ चलो भाई चलो जी चलो लाओ। अरे शीला के बापू, मुझे के पता था कि आज तू इस तरह छोड़ के चला जाएगा। हम चाहे कितना भी लड़े भिड़े थे पर हमारा प्यार अटूट था। अरे मैं खाऊंगा तुझे घेस ले। लो पंडित जी तुम जूते को मेरे सिर पर मारो, तुम्हें दावत देने वो धनो से कई बार कही पंडित को जमा दे पंडित को जमा दे, पर इसने मेरी एक न माननी, आज पता ना के जी माई है इसके। अरे राम 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 राम, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, यह तो अपवित्र हो गया, जूते मार दे खीर में। राम 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 राम, अरे लो हम खा लेंगे इसे। अच्छा रे मेरे पीछे से माल उड़वावे और मुझे एक दिन भी ऐसा खाना ना खवाती। उत्ते नौस गए, तुझे पाप लगेगा पाप। तने एक भूखे पंडित को खाने से उठाया और मने तेरे ऊपर ही तो पंडित को जिमाना नोता था। हाँ हाँ देखू मुझे कैसा पाप लगेगा, और ज्यादा बड़बड़ करेगी तो दिखे लाठी धरी है। बीमार तो हुआ मैं और दावत खवा रही संडे को। के कही लठ मारेगा तू, हाथ तो लगा के दिखा। पंडित जी मैं थारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं खीर पूरी बना के आई हूँ और वे आज दोपहर बाद आवेंगे, तुम जल्दी चलो। चलो जी जमान, तुम ना मानती तो चलो, पर कल गंगाराम ने मेरी बहुत बेइज्जती करी। पंडित जी तुम खीर खाओ, मैंने बुरा घी डाल दिया है और मैं घड़ा लेकर कुएं से पानी के बहाने शीला के बापू को देख के आती हूँ। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खीर, मजा आ गया। ओहो धन्नो तो बाहर चली गई, थोड़ा सा घी और बुरा और डाल लेता हूँ। देखी ये तो बुरा की जगह नमक गिर गया, ये तो कड़ी भी हो गई, अब क्या करूं। ओहो राम राम राम, बन गया काम। अरे जुलम हो गया, अब क्या करूं, थाली कैसे निकालूं। राम राम राम, बन गया काम। अरे पंडित जी, पंडित जी कहां चले गए? जीजमान मैं यहाँ हूँ, खाना तो मैंने खा लिया था, थाली मांझ रहा था जीजमान, गड्ढे में गिर गई, मैंने निकालना चाहा, रस्सी टूट गई, मुझे रस्सी को पकड़ा के निकाल दे, गंगाराम का आने का टाइम हो रहा है। धन्नो
रस्सी पकड़ो, मैं खींचती हूँ। शीला की माँ, मैं कहाँ चली गई शीला की माँ? मैं यहाँ हूँ शीला के बापू, गड्ढे में गिर गई। अरे तुम दोनों यहाँ? अरे हमारी सुसरी क्यों मेरा नाम निकाल रही है? तो मैं कहीं और जगह ना पाई थी क्या? शीला के बापू, पंडित जी की कोई खता ना है, मैं ही तो बुला के लाई थी। अरे तू तो लाती नास मिट्टी। शीला के बापू मुझे लिकाड़, मेरा दम लिकड़ा जा रहा। दम लिकड़ा जा रहा, लपाड़ रस्सा। अरे मैं तो मर गई, आए शीला के बापू मर गई। जब ना मरी जब गड्ढा में बढ़ रही है। अरे हाथ से रस्सा छुटवा, ले फेर का पकड़। शीला के बापू, बेचारे पंडित को भी लिकाड़ दो, उसकी गलती ना थी, मैं ही तो उसे बुला के लाई थी। इसे मारे सुसरे के ही समाधि बनाऊंगा आज, तो फाड़ वाला उठा के मट्टी भरूंगा गड्ढे में। अरे गंगाराम मुझे लिकाड़ दे, मैं अपना कहीं नौता खाने का। लिकाड़ दे अजी, अब लिकाड़ भी दो, इसकी कोई गलती ना है। ले ना मानते तो लिकाड़ रहा हूँ, ले रहा पंडित पकड़ रस्सा। लो जी मान खे चुनो। अरे अच्छी तरह से पकड़ ले। सत्यानाशी हूँ, मर जागा। शीला के बापू मैं कभी दावत ना करूंगी, अब तो इसे लिकाड़ दे। अरे रस्सा हाथ से रपट जावे, पर अब कहना छोड़ने का हूँ। ले पंडित पकड़ आराम से। पकड़ लिया जी माने। अरे यू तो मर गया सत्यानाशी, तने तो इसके हार्ट गोट भी तोड़ दिए, अब हमें पाप लगेगा। अरे तू गोबर लठा के, जहाँ से चोट लगी है ना गोबर लगा के सिलाई करूंगा इसकी। अरे यू तो मर गया, इसकी तो सांस भी ना आ रही। तू बकवास मत करे, चूल्हे में चिमटा गरम कर ला, मैं इसी गरम चिमटे से सिकाई करूंगा। अरे वो तो चिमटा गरम कर रहा है, मुझे मार डालेगा। अपना भला चाहे तो पंडित भाग ले, भाग ले। देखा शीला की माँ, अब तो मैंने कच्चे दाग ही लगाए गोबर के, जब दीवार कूदगा और चिमटे से पका देता तो ये कोठे में से कूद जाता, और अब तू समझ जा। हाँ हाँ बड़े आए समझाने वाले। मका मान जाती, मुझे और गुस्सा मत दिवावे, तू आज रात को बाहर से होकर दिखा, दरोगा सा आज तेरा इलाज करवाना है। जाजा नास पिट्टे, बुला के तो ला, एक चाटे में सुधार दूंगी। हाँ अच्छी बात है, जा रहा हूँ। चोरी करता है। नहीं नहीं, मैंने चोरी लिखी, 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 चोरी लिखी,
दरोगा जी, दरोगा जी, मेरी रिपोर्ट लिख लो। तो के होया, के रिपोर्ट लिखवानी है? पर मेरी घरवाली मेरा कहना ना मानती, मेरे मना करने पर भी बारिश होवे। अबे सबकी घरवालियों के सोने का ठेका भी हम पे है के? हाजी ये रिपोर्ट तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी दरोगा जी। देखिए मैं थारा का हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बहुत तंग कर रखा हूँ उसने। दरोगा जी उसकी किसी तरह से आदत ठीक कर दो। दीवान जी, हाँ जी, काव की रिपोर्ट लिख लो और आज गांव में तो जाओगे ही। हाँ जी, जरा उसे भी धमकाते आना। जाता हूँ, जा, आज के बाद तुझे कोई परेशान ना होगा, यह काम तेरा माँ जी कर देंगे। थारी बड़ी मेहरबानी होगी दरोगा जी। सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि आज रात को कोई भी घर से बाहर ना सोए। अगर कोई भी घर के बाहर सोता हुआ पाया गया तो उसे सीधा जेल में ठूंस दिया जाएगा। क्यों बे, बाहर क्यों सोया था? जब हमने मनादी करा दी थी कि कोई बाहर नहीं सोएगा, तू फिर भी बाहर सोया? इतनी हिम्मत? मुझे छोड़ दो मनादी, मुझे मनवारा, मुझे तो उसने कही थी। आज तो सच्ची बात है, उत्ता नौस गया दरोगा को जरूर कहकाया। अजी मका सुन रहे हो सीला के बापू, जरा किवाड़ खोलियो, दरोगा मोहल्ले को कूटता पीटता आ रहा। मैं अपना सोने की कुंडी खोल दे। आगी खोड़ में तो इतने तेरे मुंह पर ना लगे, इतने तेरी आदत ठीक होने का नाम ही ना लेती। मैं ना खोल लूं, बहुत सिर पर चढ़ रही है तू। ना सीला के बापू, मैं तो तेरे से मजाक ही तो कर रही थी। दिखे जल्दी खोल दे, वरना वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जान दे देगी? अरे देखिए भाई, ये जान कैसे देगी, जो सारे गांव को गाली पके, नाक में नकेल घा लगी है। जब दरोगा के चाटे तेरे मुंह पर लगेंगे ना, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ए जल्दी खोल दे, दिखे दरोगा पीटता हुआ आ रहा। ए ना खोल लूं, ना खोल लूं, ना खोल लूं। दिखे या तो खोल दे, नहीं तो मैं कुएं में कूद के जान दे रही हूं। ना खोल लूं, ना खोल लूं। मका खोल दे, खोलता ना है, ये ले मैं कूद रही हूं। थारी का अरे धनो सतवाई कोई में गिर पड़ी दिखे, मरगी तो टुकड़ा वीरान हो जाएगा। मैं यू के कर बैठा, हंसी में खांसी होगी दिखे। धनो, ओ धनो, ले रस्सी पकड़ ले जल्दी। धनो, अरे जल्दी पकड़ ले, अब मैं तुझे कुछ ना कहने का हूं। ले रस्सी पकड़ जल्दी से। क्यों बे, बाहर कैसे है? जब हमने मनादी करा दी थी, तू क्यों बाहर है? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे। दरोगा जी, लो यू कहना नहीं मानता ना, देख लो इसने थारा कहना नहीं माना, मारो इसे। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो वही गंगा रहा, मुझे रिपोर्ट लिखवाई। अरे तू घरवाले की खता बतलाता है और आप खुद बाहर सोता है, जरा भी कहना नहीं माना। दरोगा जी बात तो ठीक है जो मैं लिखवाई, यू तो रद्द बदल एक मिनट में होगी, ये धनो बड़ी तेज है। अरे मका कौन है? सीला की माँ। ओ सीला की माँ, अरे कुआड़ खोले दनक। अरे मैया मर गई, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ धन्नो? चोर 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 पकड़ो, अरे पकड़ो धन्नो का घर, अरे पकड़ो चोर आ गए, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे लाली धन्नो क्या बात थी, ये चोर अंदर कैसे घुस गया? क्या अंदर की कुंडी ना लगा रखी थी क्या? अजीब चोर ना था, सीला के बापू का भूत था। अरे लाली धन्नो, भूत क्या हो है? तुझे भैम हो गया, तुझे आराम की जरूरत है बेटी। नहीं ना, सीला के बापू का भूत ही था। ताऊ बिचारे का दिमाग चल गया, दिल पे गहरा सदमा पड़ा है, अब तो इसे गंगाराम दिख रहा चोर भी।
ले भाई रात को चलना चाहिए जब सब सो जाएंगे। शीला की माँ, ओ शीला की माँ, अरे किवाड़ खोले था नग, देखे मैं चोर ना हूँ, मैं तेरा गंगाराम हूँ। अरे शीला के बापू, तू क्यों हमें सतावे है? मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू अपने बच्चों को सता रहा? मैंने तेरे लिए गायत्री पाठ भी करा दिया, चला गया यहाँ से, क्यों सतावे है रे? मैं ना जाऊँ, किवाड़ खोल दे तू। बचाओ बचाओ, मारो 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 भाई, वाकई गंगाराम का भूत है, धन्ना ठीक कह रहा है। अब हम न करेंगे प्यार के दिल पर देसी हो गया। ओ भीमा, अरे कहाँ जा रहा है? कौन पीछे से बोले? अरे मैं हूँ गंगाराम। अरे लाली, अरे रोटी ले जा रही हो? अरे भैया मार दी, मार दी, मार दी, गंगाराम का भूत, भीमा ठीक कहता था, तीख में से निकला। अरे पता ना सब में से क्यों डरने लगे, क्या करूं मैं तो भूखा मरेगा, पता ना सब में से क्यों डरे हैं, मुझे देख के भाग जावे। ओहो, ये पीरू धोबी आ गया सभी लत्ते धोने, और लुगाई को ले आएगा साथ, उसे बुझूंगा और ऐसा पकड़ूंगा तरकीब से जो भागे ना। अरे हाथ लिया भाई पीरू, हाथ लिया, पूछू ले इससे जा जाएगा। ईशा, अरे ईशा, ईशा, अरे ईशा, अरे ईशा, पूछू ले इससे जा जगह। अरे बड़ी मुश्किल साथ आया फिर, बता क्या बात है, लोग क्यों डरे मेरे से? आए, मार दिया रे, मार दिया, बची रे, मेरा पीरू मार दिया। आए, मार दिया रे, मार दिया, बची रे, मेरा पीरू मार दिया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे होता के भेंट ले ली, देख यू पड़ा। पंडित जी राम राम। दीपक कट जा, तेरी साला रोज खुंटा पार देवे, लाज का खुंटा मोटा सा गाड़ूंगा कोठे में भीतर जाके। हाँ इमली खूंट में काट दू। छोड़
छोड़ दे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? अरे मुझे बस बढ़िया छोड़ दे, छोड़ दे। भीमा, भीमा क्या हुआ? ओ अरे भैया, भूत ने मेरा वो गंगाराम के भूत ने मेरा कुर्ता पकड़ा पीछे से। भगवान के दम कोठे में भी पकड़ा, मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे भाई ऐसा काम ना चले, दरोगा के यहाँ रिपोर्ट लिखाने चलो। दरोगा जी मारी रिपोर्ट लिखो, मारे सारे गांव वालों को भूत ने परेशान कर रखा, उसने पीरू धोपी भी मार दिया। अबे क्या बकते हो, कोई भूत भी होता है क्या? तो मैं सबे आगरा भिजवा दूंगा। दरोगा जी हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उसने पीरू धोपी को मार दिया। अबे किसका भूत, कहाँ है भूत? ये दरोगा जी बात सुन लो, दारू पीने वाले का तो तुम मुंह सूंघ के पहचान कर लो। अब हम तुम्हें क्या सच्चाई दे रहे, हमारे गांव में गंगाराम का भूत बन रहा है और उसने सारा गांव परेशान कर रखा। और की तो मैं क्या मानूं, भगवान कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो हम भी देखते हैं, अरे मरे हुए भी कहीं वापिस आवे। दरोगा जी उस सामने वाले खेत में है। दरोगा जी बैठे रहियो, भगियो मत। अरे तो सच में ही भूत दिखे, हम चलें, हमें तो अपने बाल बच्चों को पालना, वह नौकरी बढ़ गई तेल लेने, जब सारे गांव के आदमी भग गए तो अकेले हम क्या कर लेंगे। चलो चलो निकल लो यहां से। अबे कहां भागते हो? दरोगा जी सारे गांव के आदमी तो भाग गए, हम ही क्या करेंगे, हमें मरना थोड़ी है, भूत के तो बंदूक की गोली का सन्ना हो गया, भला इसी में कि तुम भी निकल लो। भाई गंगाराम मुझे मत मार, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, तो गांव वाले बुला के लाए थे, मैं बिल्कुल ना आने का। अखबार वाला भूत ने गांव वालों की खेती करना बंद कर दिया, पीरू धोबी की जान ले ली और दरोगा की पिटाई कर दी। आज की ताजा खबर अखबार वाला, अखबार वाला। अरे आज पुलिस का बड़ा अफसर है कोई, आज न भगने का कोई भी ले, आज अफसर से बात करूंगा। अरे कौन है तू, सच बता नहीं तो गोलियों से सुराख कर दूंगा। साहब साहब मैं तो गंगाराम हूँ, अब पता है ना गांव वालों को क्या होगा, पता ना मुझे देखकर क्यों भगे हैं ये, कोई मेरी बात ही ना सुनता, भूत भूत कहकर मुझे बहुत मारा, मेरी घरवाली और मेरी छोरी भी मुझे ना पहचानती, सब डरा है मेरे से। एसएसपी साहब जो भूत झूठ बोल रहा है, इसका अंतिम संस्कार तो हमने अपने हाथों से करा था, फिर यू कहां से आ गया? अच्छा सच सच बोल, बात क्या है? साहब साहब मैं तेरे साधु को अपनी झोपड़ी में छोड़कर और बाहर गांव चला गया था, मुझे पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, मुझे आने में 10-12 दिन लग गए और जब मैं उल्टा आया तो ये लोग मुझसे डरने लगे, पता ना क्यों डरे। अच्छा रे, रे तो उस वाली होगी, अगमा मां मान के और बापू के रपट थाने में। अरे सुन लो रे गांव वालों, भाईयो वो तो झोपड़ी में साधु फूका था और बेचारी धनो में सुहागनी रांड बना रखी है। अरे शीला के बापू तुम जिंदा हो, मैं तो तुम्हें वैसे ही भूत समझ रही थी, दिखे अब कदी ना लड़ू तुमसे। देखो भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब भय का भूत होता है। ठीक कह रहे हैं एसएसपी साहब, गांव वालों सब ध्यान से सुन लो, दिखे भाई लोगों जब इंसान के दिल में दहशत बैठ जावे है ना, तो फिर तो आंखें का भी हाथी लगे, ना तो सिर्फ भय का भूत है, भूत नाम की कोई चीज नहीं है।